एथिकल हैकिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी के अभी साइबर ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर सकें। सो हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कमांड प्रॉम्प्ट की कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के बारे में और कुछ ऐसी कमांड जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगी। कुछ एडवांस कमांड भी आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसका पहला पार्ट मैं अपने चैनल पर बहुत पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था, करीब 10 दिन पहले अपलोड करा था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी जाके देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ अच्छी अच्छी कमांडें बताई थी। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते करते इस वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना पेटीएम नंबर दे रखा है, तो वहाँ पर अगर आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। और चलिए करते हैं इस वीडियो को सीधा स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सीएमडी में। तो सीएमडी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, रन एज एडमिन मोड में हम इसको चला लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के बारे में, इसको ट्रिक्स बोला जाएगा, कुछ ट्रिक्स करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और बहुत ही ज़्यादा मस्त सी कमांड्स। तो सबसे पहला मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ आप देख सकते हैं इसका नाम क्या आ रहा है, जैसे विंडो सिस्टम 32। अब मान लो मुझे ये नहीं पसंद तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ सीधा डालूँगा एक कमांड जो अगर आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, वो कमांड मैं डालता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कमांड डाली तो यहाँ पे ये चेंज हो गया जो पूरा का पूरा नाम था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये डॉलर जी एट द रेट इन सब का मतलब क्या है। तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, पहले तो मैं एरो दबा के वापस कमांड में आता हूँ और यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन मार्क डाल के दिखा देता हूँ कि इसका मतलब क्या था। तो ये मैंने डाला क्वेश्चन मार्क, शायद क्वेश्चन मार्क नहीं, इसके अंदर मैं एक बार एग्जिट करता हूँ इसको। यहाँ पर मैं डालूँगा हेल्प और उसके बाद डालूँगा प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा शो होने लगा कि डॉलर ये सब डालने से क्या होगा, डॉलर जी से क्या होगा, ग्रेटर देन साइन आएगा, डॉलर एच से हमारा बैकस्पेस वगैरह आएगा। तो ये सारी पूरा ए से लेके आप कहाँ तक है वी तक, और कुछ स्किप भी कर रखे हैं लोगों ने, पूरी कमांड आप डाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं यहाँ पे क्या लिखा रहा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट। अब मुझे ये भी चेंज करना है तो हम ये भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सिंपल कमांड है। हमें डालना है टाइटल, टाइटल एंड देन हमें जो भी नाम देना है उसका, वो मैं फिर से दे देता हूँ साइबर ऋषि। तो ऊपर आप देख सकते हैं क्या आएगा कमांड में, एडमिनिस्ट्रेटर साइबर ऋषि। तो ये भी एक छोटी सी और थोड़ी सी अच्छी सी ट्रिक बोल सकते हैं हम इसको। तो हम मूव करेंगे कुछ ऐसी कमांड के लिए जो आप अगर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी वो आपकी डेली लाइफ में। तो इसके लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैग्नीफायर का यूज़ करके। तो सबसे पहले हमारी कमांड आ जाती है पिंग। तो बहुत लोगों को पिंग के बारे में पता होगा, तो और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ पिंग का यूज़ क्या होता है। तो पिंग हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं दो चीज़ों के लिए, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ दो चीज़ों के लिए, वैसे और भी काम होते हैं इसके। तो सबसे पहला है हमारा कि हम किसी भी वेबसाइट की आईपी से जान सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे गूगल की आईपी नहीं पता, उसके और भी ज़्यादा तरीके होते हैं। अगर आप हैकिंग लाइन में हैं तो आपको पता होगा कि कैसे किसी चीज़ की आईपी निकाली जा सकती है। हम जब उसका फुट प्रिंटिंग करते हैं तो हमें पता होता है कैसे उसकी आईपी निकालें। तो अगर आपको पिंग से निकालने तो हम क्या करेंगे, पिंग और उसका नाम डाल देंगे उस वेबसाइट का। तो अभी के लिए मैं गूगल ले लेता हूँ, google.com। तो जब मैंने यहाँ पे इसको इससे पिंग कराया तो आप देख सकते हैं गूगल की आईपी मेरे को यहाँ पे शो करने लगी। एक बार स्मॉल करने वही ठीक है, तो गूगल की मेरे को प्रॉपर आईपी यहाँ पे शो होने लग जाएगी। और इसका एक और काम होता है जब हम कनेक्शन चेक करने के लिए कि कनेक्टेड है हमारा सिस्टम दूसरे वाले सिस्टम से या फिर दूसरे नेटवर्क से, तब भी हम पिंग करा के देखते हैं। या फिर अगर हमने दो पीसी आपस में कनेक्ट कर रखे हैं एक ही नेटवर्क में, तब भी हम पिंग कमांड चला के देखते हैं कि उन दोनों के अंदर कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी हमारी कमांड आ जाती है NS lookup। तो इसके ऊपर मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखी हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं कि NS lookup का कैसे करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी नेम सर्वर lookup। तो हम चला के देख लेते हैं इसके बारे में, नेम सर्वर lookup, और वही हम सेम गूगल के लिए करेंगे। तो यहाँ इसके नेम सर्वर की हमें पूरी की पूरी डिटेल दे देगा। मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। फिर हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की तरफ जो है ट्रेसर, TRA और SERT कमांड का नाम है।
तो जब हम इसको चलाएंगे तो ये हमें पहले बता देगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, यूसेज के बारे में हमें पूरी डिटेल दे देगा कि 63 में डी दबाने से ये होता है और जे से ये होता है, और इसके बाद ऑप्शन भी हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो मान लीजिए मैं एक ऑप्शन यहाँ से उठा देता हूँ आईफन डी वाला, एंड देन मैं डालता हूँ अपना वेबसाइट का नाम google.com। उसके बाद ये हमें रूट की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो यहाँ पे भी बता रहा है ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 30 होप्स। तो होप का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि इसके अंदर हमें बता रखा है मैक्सिमम होप ये 30 है। तो जो मेरी सिस्को पैकेट ट्रेसर की सीरीज़ है उसके अंदर मैंने अच्छे से बता रखा है कि होप क्या होता है। और अभी के लिए अगर मैं बताऊँ तो होप यही होता है कि कितने राउटर से या कितने होप उन्हें बोला जाता है से गुजर के हमारा रिक्वेस्ट हम उस वेबसाइट से या फिर उस सर्वर से कर पा रहे हैं। तो शॉर्ट में बता दिया, अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है तो उस वीडियो में मैंने कैसे पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि होप कैसे क्या होता है सब कुछ। तो ये देख लिया आपने, ये 30 से ज़्यादा होप से जा रहा है और उसके पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, हमें उसका आईपी एड्रेस भी मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड के ऊपर जिसका नाम है रूट प्रिंट। तो रूट प्रिंट के अंदर इसको मैं पहले बड़ा कर देता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें शो करेगा ये। तो यहाँ पे हमने डाला था अपना रूट प्रिंट। तो रूट प्रिंट के अंदर हमें क्या मिलता है, राउटिंग टेबल मिल जाती है, गेटवे मिल जाता है, इंटरफेस मिल जाता है, मैट्रिक्स मिल जाती है हमें उसकी। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ये हमें सबसे पहले दिखा रहा है इंटरफेस फेस। तो इंटरफेस फेस के अंदर यहाँ सारी डिटेल बताएगा कि क्या क्या इंटरफेस हैं। फिर हम जाते हैं IPv4 राउटिंग टेबल हमें दिखा देगा यहाँ पे। उसके बाद मैट्रिक्स भी हमें शो कर रहा है, इंटरफेस जो मैंने पहले बताया था कि ये इंटरफेस भी शो करता है, गेटवे बता रहा है, प्रॉपर बता रहा है हमें, और नेटवर्क डेस्टिनेशन बता रहा है। फिर हमें IPv6 की भी बताएगा यहाँ पे राउटिंग टेबल, और रूट टेबल भी बोलते हैं इसको, गेटवे बताएगा और क्लास हमें ये नहीं बताएगा क्योंकि IPv6 जो होती है वो क्लासलेस होती है, IPv4 होती है वही होती है क्लासफुल, और यहाँ पे कमांड हो जाती है ख़त्म। तो यही था आज की इस वीडियो में, कुछ अच्छी सी कमांड है जो हमारे डेली यूज़ में काफ़ी काम आ सकती है हमें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं हैकिंग के ऊपर लाऊं। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड।